हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्लांट प्रोपेगेशन। प्लांट प्रोपेगेशन इज सिंपली द मेथड बाय विच प्लांट मल्टीप्लाई। प्लांट प्रोपेगेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मल्टीप्लाइंग प्लांट्स बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स। द सेक्सुअल मेथड इंक्लूड सीड प्रोपेगेशन। द एसेक्सुअल मेथड इंक्लूड रूटिंग, कटिंग, लेयरिंग विच इंक्लूड एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन एक्सेट्रा। सो एसेक्सुअल propagation is vegetative reproduction. We called it as vegetative reproduction, that is multiplication that does not involve the seed cycle. Multiplication का वो method जो seed cycle को involve नहीं करता, इसे हम clonal propagation भी कहते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की alternation of generation नहीं है कि reverse haploid and diploid phase उसमें आते रहते हैं seed cycle में। So what is clone? Clone is a genetically identical assemblage of individual produced from a plant entirely by vegetative means. हम as it is parent का clone बना देते हैं by vegetative means. Because in clonal propagation, in vegetative propagation, the genetic recombination does not happen. So the progeny produced is the identical copy of the parent. Benefit of clonal propagation: some plant produce few viable seeds. कुछ plants हैं जो viable seed produce करते हैं बहुत कुछ, तो nature में उनके जो grow करने के chances हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, तो उस case में हम कोई भी vegetative structure और कोई भी clone, कोई भी particular part लेते हैं जिसे हम explant बोलते हैं और उसे grow करते हैं as a progeny. Clonal progeny are highly uniform in all characters. For example, एक कोई प्लांट है वो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स कैरी कर रहा है, तो हम उसका एज इट इज़ क्लोन बनाएंगे तो वो एज इट इज़ सारे कैरेक्टर उस प्रोजिनी में आ जाएंगे. आउटक्रॉसिंग प्लांट प्रोड्यूस हाईली वेरिएबल प्रोजिनी. हम दो प्लांट्स के बीच में आउटक्रॉसिंग कराते हैं तो उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, तो बोथ द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट इन्वॉल्व एंड कम्स इन टू द प्रोजिनी. सो आउटक्रॉसिंग की वजह से जो प्रोजिनी है वो बहुत वेरिएबल बनती है. प्लांट्स में हैव एक्सटेंडेड जुवेनाइल पीरियड. प्लांट्स का एक एक्सटेंडेड जुवेनाइल पीरियड होता है. क्लोनिंग अलाउ फॉर कंबाइनिंग जीनोटाइप इन वन प्लांट. क्लोनिंग अलाउ करती है किसी भी एक प्लांट के जीनोटाइप कंबाइन करने में. सीड में हैव लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स डॉर्मेंसीज. हम सीड को सॉ करते हैं तो उसमें डॉर्मेंसीज भी होती हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए डॉर्मेंट रहता है तो वो ईजिली ग्रो नहीं करता. तो इन सब इश्यूज़ के चलते हम क्लोनल प्रोपेगेशन को ऑप्ट करते हैं ओवर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज कटिंग प्रोपेगेशन. कटिंग केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग रूट्स और शूट्स. कटिंग केपेबल होती है रूट और शूट को रीजनरेट करने में फ्रॉम एडवेंटिटियस मेरिस्टेम. कटिंग डिफाइंड बाई साइज एंड लोकेशन ऑन पेरेंट प्लांट. कटिंग को हम डिफाइन करते हैं साइज एंड लोकेशन पेरेंट. जैसे स्टेम कटिंग में हम ले लेते हैं स्टेम टिप, नोडल, रूट और लीफ. ये सब हम एज अ कटिंग प्रोपेगेशन में यूज़ करते हैं. कटिंग ऑल्सो डिफाइंड बाई कंडीशन ऑफ ग्रोथ. कटिंग को हम ग्रोथ कंडीशन के बेसिस पे भी डिफाइन करते हैं. सॉफ्ट वुड, सेमी हार्ड वुड, हार्ड वुड. कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रूटिंग कटिंग. क्या क्या कंडीशंस हैं जो रूट कटिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं. हार्ड वुड एंड रूट कटिंग रिक्वायर वेल ड्रेन्ड मीडियम बट लिटिल मॉइस्चर कंट्रोल. हार्डवुड और रूट कटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, वेल ड्रेन्ड मीडियम चाहिए. लीफी कटिंग रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी एंड प्रिवेंट एक्सेसिव डिहाइड्रेशन. लीफी जो कटिंग है उसके लिए हमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि आप जो एक्सेसिव डिहाइड्रेशन है उसे रोक सकें. इंटरमीटेंट मिस सिस्टम, पॉलीटेंट और कोल्ड फ्रेम फोग. मीडियम इन टू विच कटिंग आर स्टक मस्ट बी डिजीज़ फ्री, वेल ड्रेन्ड एंड लाइट. जो मीडियम हम कटिंग में यूज़ करते हैं वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए. ऑक्सिन एप्लीकेशन नाउ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट. हम ऑक्सिन का भी एप्लीकेशन करते हैं एज अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट. एग्जाम्पल ऑफ कटिंग प्रोपेगेशन, फॉर एग्जाम्पल एफ्रीकन वॉयलेट बिगोनिया इज ग्रो बाय लीफ कटिंग. मैनी वुडी श्रब स्टेम टिप कटिंग. Brambles, root cutting, willow and poplars, dormant hardwood cutting. So these are the cutting part which used to grow these plants. Grafting and budding.
द वस्कुलर कैम्बियम कैन रीजनरेट द वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द शियोन एंड रूट स्टॉक रिजल्टिंग इन अ कम्प्लीट प्लांट कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन जीनोटाइप. ओके, दिस इज क्वाइट डिफरेंट. इन दिस टू प्लांट्स आर इन्वॉल्व. वन इज यूज एज अ स्टॉक एंड अनदर इज यूज एज अ सियोन. द स्टॉक ऑन विच द अदर प्लांट विल ग्राफ्टेड, पार्ट ऑफ अदर प्लांट विल ग्राफ्टेड. सो जो बेस हम बोलते हैं जो सॉइल में होता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं. स्टॉक मीन्स किसी चीज़ का सोर्स. जैसे जो स्टॉक प्लांट है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट, वाटर सब सियोन को प्रोवाइड कराता है. सो हियर टू प्लांट्स आर इन्वॉल्व. वन एक्ट एज अ स्टॉक एंड अनदर एक्ट एज अ सियोन. कैन ग्राफ्ट सियोन कल्टीवार ऑन टू साइज कंट्रोलिंग रूट स्टॉक. मैनी डिफिकल्ट टू रूट प्लांट आर ग्राफ्ट कॉम्पेटिबल. ग्राफ्टिंग डिफाइंड बाई अ सीजन एंड टाइप ऑफ टिश्यू. ग्राफ्टिंग को हम सीजन और टाइप ऑफ टिश्यू पे भी के बेसिस पे भी डिफाइन करते हैं. बडिंग, टी बडिंग, इन्वर्टेड टी, पैच. इनमें हम इस तरह के कट, टी शेप कट, इन्वर्टेड टी शेप्ड कट, कुछ पैच टाइप, वेज, वेनीर, वीप एंड टोंग, क्लेफ्ट एक्सेट्रा. सियोन कल्टीवार में बी चेंज्ड ऑन मेच्योर ट्री टॉप वर्किंग. सो ग्राफ्टेड एंड बडेड प्लांट्स, क्या क्या एग्जाम्पल हैं ग्राफ्टेड और बडेड प्लांट के. स्पीसीज है एप्पल. ग्राफ्ट और बड टाइप, चिप, टी बड और क्लेफ्ट. कॉनिफर्स को हम कौन सी ग्राफ्टिंग के द्वारा ग्रो करते हैं, साइड वनीर. पिकेंस ग्रोथ बाय द पैच टाइप ऑफ ग्राफ्ट एंड बड टाइप. रोजेस टी बड. ग्रेप्स मॉडिफाइड वेज. नेक्स्ट कम लेयरिंग. लेयरिंग इन्वॉल्व इंड्यूसिंग रूट ऑन एन इंटैक्ट प्लांट. इसमें क्या है कि हम जो प्रोपेगेशन के लिए जो पार्ट यूज़ करते हैं वो प्लांट से इंटैक्ट ही रहता है, वो प्लांट से जुड़ा हुआ रहता है, हम उसको अलग नहीं करते. फर्स्ट इज एयर लेयरिंग. इंटरप्ट कैम्बियम एंड कवर वुंड विद मॉइस्चेंट मीडियम. सो एयर लेयरिंग से हम ग्रो करते हैं फाइकस, इलास्टिका, मैग्नोलिया. सिंपल लेयरिंग, लो हैंगिंग ब्रांच कवर्ड विद सॉइल. जो लो हैंगिंग ब्रांच है उसको हम सॉइल से कवर्ड कर देंगे विद और विदाउट वुंडिंग. सो बहुत सारे श्रब्स में हम सिंपल लेयरिंग कर सकते हैं. टिप लेयरिंग में क्या करते हैं, टिप ऑफ प्लांट एट सर्टेन टाइम ऑफ ईयर डेवलप रूट व्हेन दे टच द सॉइल. बहुत सारे प्लांट्स की टिप होती हैं कुछ पर्टिकुलर पीरियड्स में, जब वो सॉइल को टच करती हैं सो दे विल डेवलप रूट्स. फॉर एग्जाम्पल ब्लैकबेरीज, रेस्पबेरीज. माउंड लेयरिंग, सॉइल माउंडेड टू कवर बेस ऑफ स्पेशली pruned young tree, also referred as shoot layering. So in this it includes apple rootstocks. So here we can see. So here the peripheral tissues removed air layering mein, and here it will grow. इसको हम bind कर देंगे particular nutrient, soil और dung वगैरह से cover करके, and then it will grow into a new plant. Root growth will start. So here are the specialized structure which used in vegetative propagation. For example, modified stem which are bulb, cone, tuber, rhizome, pseudobulbil, runner. Modified roots are tuberous roots. Propagation by specialized structure. Species, tulip, onion, ester, lily. Structure, bulb. Bulb से हम tulip, onion, ester और lily. Lily इनको grow कर सकते हैं. Tuber, potato, Jerusalem, artichoke, rhizome. Iris lily of the valley, corn, gladiolus crocus, runner, strawberry, ajuga, tuberous root, dahlia, sweet potato. So these are the species which grows by the following specialized structure.